क्या आपको पता है भारतीय सीमा सुरक्षा बल और तनोट माता का क्या रिश्ता है? हे गाइस वेलकम बैक। आज मैं निकल पड़ा हूँ गड्डी लेकर माँ तनोट के दर्शन करने। आप उस टेंपल का देख सकते हैं, ये प्रवेश द्वार है। ये जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर है और बस हम पहुँचे हैं, मॉर्निंग में निकले थे। ब्यूटीफुल प्लेस है दोस्तों, माँ तनोट बहुत फेमस है। और क्यों फेमस है मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। बहुत शक्ति है इस माँ के मंदिर में। जो भी भक्तजन है और किसी को आना है तो प्लीज आइएगा, लेकिन ये अंडर BSF है, उनके कंट्रोल में है। तो अगर आपको यहाँ आना है तो अपनी ID लेके प्रॉपर लेके आना है। और यहाँ आना बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह लेके आ सकते हैं, प्राइवेट कार लेके आ सकते हैं, और यहाँ की स्टेट की रोडवेज बस भी आती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मैं आ रहा था तो जो 120 किलोमीटर की रोड है, स्टेट हाईवे, फ्लॉलेस, इतना ब्यूटीफुल है। और जो लैंडस्केप शुरू होता है रामगढ़ के बाद, अमेजिंग दोस्तों। दोनों तरफ आपको सैंड ड्यून्स मिलेंगी और रोड एकदम ब्यूटीफुल है और लंबा लैंडस्केप है। रोड एकदम ऊपर नीचे जाती हुई दिखेगी आपको काफी दूर तक, एंजॉय करोगे आप। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, तो चलते हैं अंदर। पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर हुई थी, यहाँ उसकी हिस्ट्री लिखी है। सर्दियों की सुबह है और मैं आपको याद दिला दूं कि ये ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स मैनेज्ड बाय BSF भारतीय सीमा सुरक्षा बल, और ये मंदिर की एंट्रेंस है। तो चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं माँ के। नीता सिंह मेरी सिस्टर मेरे साथ है और वो आपको बताएगी इस टेम्पल की ब्यूटीफुल कहानी। तो भक्तजनों, जय तनोट माता की। आज हम सभी यहाँ पर तनोट राय माता के मंदिर में पधारे हैं और आप जैसे पीछे देख सकते हैं तनोट राय माता का मंदिर है और आज हम उसी के प्रांगण में खड़े हैं। और इनकी शक्ति में सभी का टूट विश्वास है। यह मानना है कि जब पाकिस्तान ने जब शेलिंग की थी, 3000 बम इसके प्रांगण में गिराए थे, लेकिन एक भी बम फटा नहीं और ना ही मंदिर को कोई क्षति हुई। मंदिर आज भी जो कि त्यों ऐसे ही खड़ा है। आप लोग यहाँ पे आकर माँ के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आपका अपना परिचय पत्र जरूर अपने साथ रखना है। इस मंदिर की सारी देखरेख भारतीय सीमा सुरक्षा बल करती है, भारतीय सीमा सुरक्षा बल की आराध्य देवी है। तो गाइस, ये था अभूतपूर्व रिश्ता बिटवीन तनोट माता एंड BSF, क्योंकि ये BSF की आराध्य देवी है। और यहाँ डिस्प्ले में आप देख सकते हैं वो बम जो एक्सप्लोड नहीं हो पाए, वो अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। डिफरेंट टाइप के रॉकेट्स हैं, बॉम्ब्स हैं, और ये सब के सब माता की शक्ति के आगे फुस हो गए। 1971 की वार अगर आपको याद है लोंगेवाला की, तो वहाँ भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है तनोट माता के मंदिर का। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने लोंगेवाला वॉर मेमोरियल के ऊपर एक वीडियो बनाया, प्लीज़ देख लीजिए। मैं लिंक उसका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको तनोट माता की महिमा पता चल जाएगी कितनी पावरफुल है इस
माता की शक्ति कर लीजिए दर्शन, साक्षात माता के सामने है आपके। जैसा कि हमारी मान्यता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं भक्त जनों ने अपनी इच्छा और अपनी विश जो उन्होंने माता से मांगी है उसके लिए चुनरी बांधी हुई है जगह जगह, तो देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये। और ऑफकोर्स उनकी विश है माता जरूर पूरा करेंगी, आपकी भी करेंगी, विश तो कीजिए। ये 1965 की है जब उन्होंने यहाँ पर बम गिराए थे, और जो अभी कुछ देर पहले आपको दिखाए गए हैं वो बम, वो आज भी ऐसे कैसे हैं, और 450 के करीब वो बम यहाँ पड़े हुए हैं, लोग जो श्रद्धालु हैं वो आकर उन्हें देखते हैं। थैंक यू नीता, चलो अब बाहर चलते हैं। बजरंग बली ऑलवेज ऑन गार्ड, जय बजरंग बली। कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर मन को बहुत ही शांति मिलती है। तनोट माता का ये मंदिर भी बिल्कुल वैसा ही प्लेस है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ वो बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए तो आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी एडवांस में मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।